इधर से जाना, ये इधर ऐसा आदमी को बस करने पूरे सिविल में आपको काम करना है। सादर काम किया, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब जगह पे सेम है, ठीक है। तो भारत देश कुछ अनोखा इंडियन आर्म फोर्सेस में अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही होगा, क्लियर? ओके। दूसरा, पहले रिक्रूटमेंट रैली जो होती थी उसमें क्या जाए या रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए, आप एक बात खुद समझिए, ये जो आपको सैलरी पैकेज मिल रही है इससे आप मैं 101 की रेजिमेंट से हूँ और अगले 20 से 25 मिनट में मैं आपको अग्निपथ फिर से आपको एसेस किया जाएगा, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, बेटे जो है आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर होगा, आपके डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर होगा जिसमें फायरिंग और फिजिकल टेस्ट शामिल होते हैं। अगर आपको कोई गारंटी अवार्ड स्पोर्ट एक स्पोर्ट्समैन को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है सेना के अंदर और उसको उतनी इज्जत दी जाती है स्पोर्ट्समैन को, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इसका 100% आपको फायदा होगा, ठीक है। लेकिन उसको कम नहीं करना, उसको और अप करो, उस स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को अप करो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, आपको 100% परमानेंट भी हो जाओगे आप और आपको उतनी सुविधा मिलेगी। पूरे अगर सबको मिलाया जाए जो कि अगर 50-55 साल के इधर में NCOs या JCOs हैं और एक हमारे जो नौजवान जो नए रिक्रूट आते हैं तो हमारा 32 साल का एवरेज एज पड़ता है। तो हमने सब ने फिर ये डेटा निकाला तो सर ने उसके अंदर बताया कि नहीं होगी, कहीं से कहीं तक नहीं होगी। ओके, तो टर्म्स ऑफ कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ उसका। टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है ये सभी के लिए लागू है, करके रखोगे परमानेंट कैडर में होगे तो पक्का होगे। अगर आप सोच रहे नहीं मैं तो 4 साल बाद यार मैं तो निकल जाऊंगा, आप पहले से नेगेटिव सोच के रखेंगे तो उससे काम नहीं होगा, फिर तो आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाइएगा। समझ लिया बात? यस सर। ओके, और बताइए सर ये जो 4 साल में जो हमें सैलरी मिलेगी, हाँ जी, इससे कट हो गया हमें 11 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब अलग से मिलेंगे, मतलब जैसे जीपी कार्ड जैसे। ओके, आपको जैसे 30 से 40 हज़ार रुपये आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें से 30%